अगर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए फ्रॉम अ नेकेड बाइक, देन स्लीपर क्लच, सुपर मोटो एबीएस, रेजर सर्फ एर्गोनॉमिक्स, सुपर पंची एक्सेलरेशन और उसके साथ बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर लुक्स के साथ आने वाला ये 2023 E20 कंपैटिबल वर्जन ड्यूक 250 का, इसको एक बार देखने के लिए आप लोगों को वर्धमान में KTM शोरूम पे आना ही पड़ेगा। ये जो बाइक है ये बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम फील से बाकी 250 से बहुत अलग है। तो अगर प्रीमियम ने सबको चाहिए विथ पावर विथ एग्रेसिव लुक्स, देन यू नो व्हाट आई वांट टू से। तो ये ब्यूटीफुल सा बाइक के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल में समझेंगे और आप लोग शेयर भी करेंगे। तो जैसे हर वक्त शुरू करते हैं कुछ बेसिक सा आंकड़े से, वही आंकड़े से इस कंटेंट को शुरू करते हैं। तो ये जो बाइक है बेसिकली ये ट्यूबुलर स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस करके, और इसका जो साफ फ्रेम है ये बोल्ट ऑन साफ फ्रेम है। इसमें आपको 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 151 मिलीमीटर और इसका कर्ब वेट है 170 kg। टू कलर्स में ये बाइक उपलब्ध है। आप लोगों के सामने जो कलर है बेसिकली ये है इबोनी ब्लैक, और यहाँ पे जो आप कलर देख रहे हो ये है डार्क गैल्वेनो। तो दोनों कलर में उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दो जगह को छोड़ के। जैसे कि यहाँ पे जो टैंक है इसमें आपको मैट कलर का देखने को मिलेगा, अब इसको मैट ग्रे बोल सकते हो, थोड़ा ब्लूइज ग्रे है, और वहाँ पे आपको ग्लॉसी देखने को मिलेगा। और इस दोनों बाइक्स में स्टिकरिंग का चेंजेस है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर हो गया पर वहाँ पे ब्लैक आप देख सकते हो। इस बाइक का रिम को अगर देखोगे तो इसमें ऑरेंज का स्टिकरिंग है, पर इस बाइक का जो रिम है ये फुल ऑरेंज के साथ आता है। ऐसा कुछ डिटेल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑरेंज का स्टिकर आपको देखने को मिलेगा पर ये ब्लैक में है, और यहाँ पे ये कम्प्लीटली ऑरेंज में है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर कलर वाइज बात करें। और ये जो बाइक है KTM ड्यूक 250, इसका वर्धमान में अभी एक शोरूम प्राइस है 2,38,413 रुपीज़। तो यही था कुछ बेसिक सा चीज़। तो अभी फ्रंट से शुरू करते हैं, फ्रंट से इसका लुक्स को नज़दीक से देखते हैं, और देखने से पहले एक काम करते हैं, ये एक बहुत ही एग्रेसिव लुक्स के साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल LED हेडलाइट यूनिट आपको देखने को मिलेगा, एकदम ड्यूक 390 के जैसा ही। वही एक बूमरैंग शेप डे टाइम रनिंग लाइट, वही एग्रेसिव स्टंट वाला हेडलाइट यूनिट, और नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा स्लिक सा पर बहुत ही ब्यूटीफुल लुक से सजाने वाला एक LED टर्निंग इंडिकेटर है, और यहाँ पे देखोगे तो विथ रिफ्लेक्टर 43 mm डायमीटर वाला WP एपेक्स का USD फोर्क आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस बाइक से कॉर्नरिंग करो, हाई स्पीड में इसको भगाओ, स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको एक कास्ट एलॉय देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक है। तो यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट में आपको 110/70 सेक्शन का 17 इंच का एक रेडियल टायर मिलने वाला है, और यहाँ पे देखोगे तो सुपर मोटो ABS तो है, रोड ABS तो है, हालांकि डुअल चैनल ABS वाला फ्रंट में आपको एक 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा विथ रेडिकली माउंटेड कैलिपर। तो ये था कुछ फ्रंट के बारे में बातें। तो अभी काम करते साइड में जाते हैं। तो साइड में आने के टाइम में जो चीज़ आप नोटिस करोगे ये है इसका कूलेंट, और ये है इसका रेडिएटर जो बहुत बड़ा है। और यहाँ से अगर देखोगे तो भाई ये बाइक लगता बहुत ढांसू है। एक लौता इस सेगमेंट में बाइक है जहाँ पे आपको इसका जो फ्रेम है वो नज़र में आता है, और ये जो नेकेड वाला बाइक के साथ ये जो ओपन फ्रेम आता है इसके लिए इसका ओवरऑल लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। और यहाँ पे ऑरेंज का आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा, और एक ब्यूटीफुल पेंट क्वालिटी के साथ आने वाला एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाला एक फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको E20 का बैचिंग आपको देखने को मिलेगा, और
KTM लिखा हुआ एक की देखने को मिलेगा विद की स्लॉट। यहाँ पे देखोगे बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही एंगुलर एंड बहुत ही एट्रैक्टिव ग्राफिक्स के साथ इसका जो श्राउड आता है। अगर इस तरफ देखोगे तो टू लेवल सीट आपको देखने को मिलेगा, स्पीड सीट है बेसिकली, और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिक्स किया हुआ है। यहाँ पे KTM का आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ड्यूक का लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और इसका जो फील है, इसका जो क्वालिटी है, ये बहुत ही अप मार्केट आपको फील करने वाला है। और इसका जो कम्फर्ट है वो भी सही लगता है। अभी इसका जो फुल राइड रिव्यू आने वाला है उसी दौरान मैं खुद समझूंगा इसमें अभी कम्फर्ट वाइज कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया है। तो खैर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे WP Apex का 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिलेगा। एल्युमिनियम स्विंग आर्म है, राइडर और पिलियन के लिए बहुत अच्छा रबराइज्ड एक फुट पेक आपको देखने को मिलेगा, और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ आने वाला विथ ब्यूटीफुल एक क्रैस्पी साउंड प्रोड्यूस करने वाला एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन के लिए इसका जो लुक्स है बहुत ही एट्रैक्टिव होने के साथ इसमें जो पेंट क्वालिटी इस्तेमाल किया है KTM वालों ने और इसका जो फिनिश क्वालिटी KTM वालों ने प्रोवाइड किया है तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो इस एक लौता एग्जॉस्ट से ही इसका प्रीमियम जो फील है वो आपको आने वाला है। रियर में देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मड गार्ड देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा सा टायर हगर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा विथ फ्लोटिंग कैलिपर। और उसके साथ रियर में आपको 150/60 सेक्शन का 17 inch का रेडियल टायर देखने को मिलेगा, शारी गार्ड है, ओपन चेन आपको देखने को मिलेगा, एलुमिनियम स्विंग आर्म आपको देखने को मिलेगा, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन वाला ग्रैप रेल आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही एग्रेसिव लुक से साथ आता है। और रियर से देखोगे तो एक क्रिस्टल क्लियर ग्लास के साथ एक बहुत ही एट्रैक्टिव LED वाला टेल लैंप आपको देखने को मिलेगा विथ LED टर्निंग इंडिकेटर। तो ये था कुछ बेसिक सा बातें। तो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब इंजन के बारे में। तो इस बाइक में जो इंजन आपको देखने को मिलेगा बेसिकली वो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DO8C बोस इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन वाला 248.76 cc का एक इंजन आपको देखने को मिलेगा। 30 PS आपको पावर मिलेगा इससे 9000 RPM में, और 7500 RPM में आपको 24 Nm टॉर्क देखने को मिलेगा। बहुत ही पावरफुल है इंजन है। रेसिंग KTM का जो लोगो है वो इंजन के केसिंग में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक इंजन क्राउल भी देखने को मिलेगा। तो अभी बात करते हैं इसका स्विच गियर्स के बारे में, इसका जो डिस्प्ले है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखोगे तो सिंपल एक इंजन किल स्विच है, यहाँ पे इग्निशन का स्विच है, यहाँ पे देखोगे तो पास स्विच है, अपर बीम लोअर बीम टर्निंग इंडिकेटर हॉर्न का स्विच है, और KTM का लोगो यहाँ पे है अभी। ओके, रेडी टू रेस के साथ ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही एट्रैक्टिव ऑरेंज कलर में ये एक डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। स्विफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे है, ABS के इंडिकेटर यहाँ पे है, मोड्स का बटन है, सेट का बटन है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक डिस्प्ले ये है। थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, हाँ TFT ये नहीं है, फिर भी इससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है वो कम नहीं है, क्योंकि ये अभी किल स्विच एनगेज दिखा रहा है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो साइड स्टैंड डाउन है, इंडिकेशन हो गया, वार्निंग लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो गया, यहाँ पे आप RPM देख सकते हो, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर देख सकते हो, फ्यूल देख सकते हो, स्पीडो देख सकते हो, और टेम्परेचर देख सकते हो। मोड को प्रेस करोगे तो आप फ्यूल रेंज देख सकते हो, ओडो हो गया वहाँ पे, और उसके साथ ट्रिप 1 हो गया, ट्रिप 2 हो गया, एवरेज स्पीड ट्रिप 2 में क्या था वो भी आप देख सकते हो, हालांकि टाइम यहाँ पे है। और ये जो है ये ABS के लिए है, ये रोड है। अगर थोड़ा सा इसको प्रेस करके रखूँ सेट को तो ये रोड से सुपर मोटो ABS पे चेंज हो जाएगा। बहुत ही फंक्शनल डिस्प्ले है, पर 23 में आके अगर KTM वालों ने इसमें ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी दिया होता तो और भी अच्छा होता।
तो अब एक काम करते हैं, इसका जो साउंड है उसको एक बार सुन लेते हैं। तो वही था सलूजा KTM वर्धमान के शोरूम में आके ये बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही प्रीमियम फील कराने वाला ड्यूक 250 के ऊपर एक डिटेल में वर्कराउंड। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इस बाइक के ऊपर और KTM के और दूसरे कोई बाइक के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए तो बीच में कॉल कर लेना, अपॉइंटमेंट बुक करके सीधे शोरूम आ जाना। इन हाउस फाइनेंस का सुविधा भी यहाँ पे है और आप चाहो तो यहाँ से आप टेस्ट राइड लेके ये समझ सकते हो ये बाइक्स आपके लिए कितना परफेक्ट है। तो अगर ये कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और मेरे लिए अगर आप लोगों के तरफ से कोई सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बहुत ही दूसरे के कॉन्टेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।